start the work. Yeah. Well, it's talking. Govinda, Govinda. Hey, meri car. हाँ मैं बात कर रहा हूँ सर. हाँ कहा था. ये एटीएम पे बैलेट पार्किंग कैसे? हे मेरी गाड़ी है, मेरी कार. राघव कमिश्नर साहब आ रहे हैं, सब रेडी है ना? सब रेडी है सर. फटाफट कर तू. नहीं पापा, मैं नहीं सुनूंगा. टाइम दीजिए ना. कर रही है. मैं जरूर कुछ करूंगी. मैडम, आप किससे बात कर रही हैं? घर में मेरे पापा सैड फेस दिखा के मजबूर कर रहे हैं. जहाँ भी जाऊँ वही दिखाई देते हैं. आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे. सल्यूट में कमी नहीं है. और चैनल्स वाले जिन्हें हराम कर रहे हैं, वो वैलेट पार्किंग वाले को कब पकड़ोगे? मेरी कार भी चोरी होने तक देखते रहोगे, है ना? 32 लोग हैं मेरे पीछे, लेकिन किसी काम के. सर, आपकी कार वो ले जा रहा है. वो लेकर नहीं जा रहे, चोरी करके जा रहे. अरे बहुत महंगी कार है, पकड़ो जल्दी उसे. अरे पकड़ो. This is Indian technology. Needle pulse. Wow, amazing. Zing zing, throw it. It's amazing. Zing zing. Shit, इस कार से अच्छी तो उन लोगों की गाड़ी है. अब उस कार का कैसे पीछा करें? पहले कार रुकनी पड़ेगी. Left, 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 left. श्रीदेवी. अरे बाप रे, इससे तो बचना ही अच्छा होगा मैडम. चलिए. श्रीदेवी, उधर देखिए मैडम. श्रीदेवी, देखने का. Hold on, hold on, hold on. या श्रीदेवी, लिफ्ट मांगकर भी मेरी कार में नहीं बैठते. हमारी कार में नहीं बैठेंगे. ये देखो, हम दोनों ड्यूटी पर हैं. पर्सनल छोड़ दो, प्रोफेशनल रहेंगे. जल्दी चलो, उन्हें जाए 15 मिनट्स हो चुके हैं. 15 मिनट्स को 15 सेकंड्स में कवर करूंगा. भैया, व्हाइट कार. हाई फाइव. टॉम, दे आर फॉलोइंग द टैक्सी. इट जस्ट अ टैक्सी. यू आर अमेजिंग. जिंग जिंग. अरे टर्निंग टर्निंग टर्निंग. अरे फिर से टर्निंग, फिर से. तुझे क्या टर्निंग दिख रहा है? टर्निंग पे हम भी तो टर्न होंगे ना. टर्निंग टर्निंग करके हाथ साफ कर रहा है. तू क्या वीडियो गेम खेल रहा है? चुप रे, चुप रे. अरे श्रीदेवी जी, खाली बैठने से अच्छा उनके टायरों को उड़ाओ ना. शूट 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 शूट. अरे सत्यानाश हो तेरा. Tom, she is firing. Cruz, all misfiring. You can't firing? Zing zing. Yeah, yeah. क्यों भाई किशोर, टायर पर निशाना मारो तो कहीं और ही मार रही है. कहीं इसके आंखों में कोई खोट तो नहीं है ना? अब तक दी परफॉर्मेंस काफी है. रिकमेंडेशन लिख हो जाएगी, अंदर चलिए. इस बार मेयर बन जाऊंगा. एक घंटा पहले निकले हैं, आराम से पहुंचेंगे. बस हॉर्न मत बजाना. नहीं बजाऊंगा भाई. वैसे हम इस रूट से क्यों जा रहे हैं? इस रूट पर वो टैक्सी वाला नहीं मिलेगा ना. तुम सीट बेल्ट पहन लो. अरे आप चुप रहो भाई, हम अपने हैदराबाद में सीट बेल्ट क्यों लगाएं? भाई लगा लेना, किसी का क्या. अरे मैं नहीं लगाऊंगा भाई. भाई वो डोंट साउंड हॉर्न वाला. गाड़ी रोक. जब तक नहीं निकल जाती तब तक यहीं पर रुके रहो. ओके भाई. वो जा रहा है. हाँ भाई. वो जा रहा है. हाँ भाई. वो सामान बाहर निकल आया ना. हाँ भाई. तो फिर लग गई. सीट बेल्ट लगाने में तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? अपने हैदराबाद में कौन बेल्ट लगाता है? Amazing. Zing zing. We saw your firing. All misfiring. Taxi bro. We love your skill. Thanks. इस Tom Cruise से पंगा लोगे तुम. हमें पकड़ना मिशन इम्पॉसिबल. Amazing. Zing zing. नोबड़ी बकवास बंद करो. तुम जाओ यहाँ से. Hold on. मैंने रिस्क बहुत ली थी, मुझे पैसे दो. ये 1000 रुपए रखो और निकलो. 1000. भैया 3000 दो तो मैं तुम्हें बचाता हूँ. हम 30 लाख देंगे. बाप रे. और मेरे 10 रुपीज. भगाने के लिए 30 लाख. तुम इस रिंग को रख लो और तुम जाओ यहाँ से. आप मेरे साथ आइए. आइए एक मिनट. हाँ मैडम, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो खुद हमारे पास आके सेट कर दूं क्या? कमिश्नर की कार है, प्रॉब्लम होगी तो. वो देखिए बुला रहे हैं हमको. तुम अब भी नहीं बदलोगी? मतलब तुम पैसे लोगे ही नहीं? नो नो नो. ओके ओके, सेट कर दो. आपकी चोरी की हुई कार के बीच मैडम ना आए इसलिए आपको 50 लाख देना होगा. ए किशोर, हमें तो 40 चाहिए था ना. वो हमारे लिए है मैडम. एथिक्स नहीं है क्या? आपके 40 एथिक्स क्या मैडम? ये डिस्कशन कैसा? फर्स्ट टाइम है क्या? फैंसी ऑफर 75 देंगे.
पार्टी अरेंज करो। इट्स अमेजिंग। जिंग जिंग। श्री देवी बिटिया जी, बिटिया जी, बिटिया जी, महालक्ष्मी अवतारम, अवतारम, अवतारम। तुझसे ही है खुशियाँ और तुझ पे ही निर्भर है हम। ये इमोशंस भी फॉलो नहीं करता क्या? जानकी, स्वीट ले लो जानकी। बेटी श्रीदेवी, अपने सपनों को भूलकर अपनी फैमिली के लिए जो तुमने ये त्याग किया है वो इतिहास बनेगा। मेरी भाभी माँ, तुम बेटी से कुछ कहना चाहती हो ना, बोल दो। अब तुम कूद गई हो तो सोचो मत। ऐसे 6 महीनों तक कंटिन्यू करोगी तो हमारी फैमिली वर्ल्ड टूर पे जरूर जाएगी। शांत हो जाओ। आपने एक स्कैम करने को कहा, वो मैंने किया। अब जब तक मैं मेडल नहीं पा लेती तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। ए, तू घर पे क्या करने आया है? श्रीदेवी, पहले घर के बड़े बात करेंगे। हमारा लड़का आपकी लड़की से प्यार करता है, ये फ्रूट्स लेके मैरिज डेट फिक्स कर दीजिए। ए, जाएगा या एनकाउंटर करूं मैं? बस करो। ए, दो शगुन की थाली। ए, ले लो आकर। अरे वे सरकार करते क्या है? हम हैं कैब ड्राइवर। तो तुम गरीबी रेखा से नीचे हो। वो क्या है कि हम जरा ऊपर आ गए हैं। तुम अपनी रेंज का रिश्ता ढूंढो। इसके मुंह मत लगो आप। बस करो, ऑन करो टीवी, लगाओ पेन ड्राइव। ओके ओके, सेट कर दो। आपकी चोरी की हुई कार के बीच मैडम ना है, इसलिए आपको 50 लाख देना होगा। अद्भुत विजुअल्स इस बच्चे की देन है। तुम समझ गए ना? तू तो गया। ये पेन ड्राइव एज इट इज कमिश्नर के हाथों में चला गया तो स्कैम डिजाइन करने वाला किशोर जेल में। उसकी बात सुनी इसलिए श्रीदेवी की नौकरी जाएगी और वो घर पर। इस स्कैम से जुड़ी तुम्हारी पूरी फैमिली एज इट इज गरीबी रेखा में गिरकर, मतलब मेरे पास आओगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो इस पेन ड्राइव को बस करो, दे दो शगुन। पहनाओ मंगलसूत्र। तुम चुप रहो, अपनी फैमिली के लिए दूसरे त्याग का समय आ गया है बेटी। सारे त्याग मैं ही करूं क्या? जरूरत नहीं है मैडम। होल्ड इन, ये डिस्कशन का टाइम नहीं है, डिसीजन लेने का टाइम है। मैंने कमिश्नर को पहले ही बुला लिया है। हम फंस चुके हैं, बेटी मान गई है ऐसा झूठ बोलते हैं और 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। सुनो बेटा, लड़की मान गई है, बस 1 हफ्ते का टाइम दो, हम कुछ करते हैं। यहाँ बालू कौन है? सर मैं हूँ सर। मेरी कार किसने चोरी की, उसकी किडनैपिंग किसने की, इसके पीछे किसका हाथ है? सर मैडम को सारी डिटेल बता दी है मैंने, 1 हफ्ते में पकड़ लेंगी कहा। सॉरी सर, पार्टी में थोड़ा लेट आए हम। ये लोग चोर नहीं है सर, हमारे रिश्तेदार है। आपसे किसने पूछा? मैं लगा पूछेंगे। चुप रहिए। फिर से 2 कारों की चोरी, 1 कार ऑडी, दूसरी स्कोडा। लोग बाहर अपनी कार पार्क करने में डर रहे हैं। इतनी सफाई से कैसे चोरी करते हैं? इट्स प्योरली एन आर्ट सर। ऐसा आर्ट क्या पता। बेटी श्रीदेवी, उस कार में मेरी पत्नी का 10 तोले का हार है। कहाँ पर है? सीट कवर में। फ्रंट या बैक? बैक में। तुम कैसे भी करके? सीट के नीचे। मैट के नीचे। डिक्की में। वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ओके, कैरियो, अब हम चलते हैं। चलो। थैंक यू। तुम कुछ भी करो, इस टैक्सी वाले के साथ उसके करीब जाकर उन चोरों को पकड़ लो। आप परेशान मत होइए सर, मैं बहुत करीब से फॉलो करूंगा। पापा आप पागल हो गए हो? मैंने शादी के लिए हाँ कब की जो उसे घर पे बुलाया है? उसे यहाँ खीर खिलाने के लिए बुलाया है, तुम्हारी शादी के लिए नहीं। ऊपर भेजना है उसे। उस खीर में मैंने जहर मिलाया है। तो उसे मार दोगे? इसमें मारना क्या है, हम क्या चाकू से मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं? खीर में जहर देकर ही तो मार रहे हैं, नॉट अ बिग डील यार। कोई केस बना तो पूरी फैमिली अंदर हो जाएगी। वो कोई कमिश्नर है क्या? मर गया तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है? एक टैक्सी ड्राइवर है, वो कोई जिला का DM CM नहीं है। ये केस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। ये प्लान मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर समझ लेना, वो पेन ड्राइव अगर कमिश्नर के पास पहुंच गई तो हम दोनों जेल में और तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी और हाथ पे कटोरा लेके भीख मांगते दिखाई दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। मौके की नजाकत को समझो। किशोर के इस आइडिया से ही हमारी फैमिली की रक्षा हो सकती है। ससुर जी, ससुर जी, श्री मैं शाह। क्या हुआ? कर दो। शब्द नहीं मिल रहे क्या? ट्राई करो, मिल जाएंगे। अब तक तो श्रीदेवी को देखकर ट्याऊ 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 ट्याऊ, अब तो श्रीदेवी की पूरी फैमिली को देखकर ट्याऊ 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 ट्याऊ। बस बस बस, चलो चलो, वो खीर इंतजार कर रही है। नहीं ससुर जी, मेरा पेट भर गया है। ओए, प्लान वेस्ट हो जाएगा। कैसा प्लान? अरे वो खीर वेस्ट हो जाएगी ना।
ये लो जी, मुझे ये खाना है। उसमें तो मिलाया ही नहीं है। क्या नहीं मिलाया? ओ, इसमें प्रेम प्यार अनुराग मिलाया है और इन चीजों को मिलाकर ये खीर श्रीदेवी ने तुम्हारे लिए बनाई है। श्रीदेवी, तुमने इसमें जहर भी मिलाया हो ना तो भी मैं खा लूंगा। मरने की बहुत जल्दी तो ऐसी है। ससुर जी, इतनी अच्छी न्यूज सुनाई है तो पहले आपको खाना होगा। नहीं जी। हाँ? ये तो ऐसे चीखी जैसे मैं आपको जहर खिला रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे शुगर है, अगर मैंने खीर खाई तो जहर ही हुआ ना। समझ रहे हो? तुम खाओ खाओ, खाओ। तुम किसी नहीं, मेरा पेट खराब है। नहीं, आप खाइए ना, खाइए। तुम खाओ, तुम खाओ। कॉफी। सुनो, जरा ये खीर उसके कप में भी डाल दो। ससुर जी, क्या हुआ? वो ना, मुझे श्रीदेवी के हाथों से ही खाने का मन कर रहा है। खिला दे। अरे खिला दे, आखिरी इच्छा है इसकी। आखिरी इच्छा कैसे हुई? मेरा मतलब प्यारी इच्छा है। एक मिनट, हाँ, फैमिली फोटो मस्त लग रहा है। सबसे अपना इंट्रो करा लेता हूँ। हाय सासू माँ। हाय बड़ी सासू माँ। हाय। अरे अब ये इंट्रो किस लिए? एक कप खीर ही तो दी है, खीर खाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? रुक जाओ। इन्हें किसने बुलाया? मैंने। इस खुशी में ये शरीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? क्यों बेटी श्रीदेवी, कार का पता लगाने को कहा तो तुम्हें शादी की पड़ी है? हाँ? आपकी कार से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा क्या? लगा पूछेंगे। क्यों टैक्सी बाबू, इस रिश्ते के होने की असली वजह कौन है? आपकी कार। तो फिर खीर किसे खानी चाहिए? आपको। वो कोई जिला का DM CM नहीं है, ये केस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। दूध की खीर मुझे तो बहुत पसंद। अरे रुकिए सर, सर 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 सर, आपके लिए मांसाहारी खाना अलग से बनवा रखा है सर। लेकिन वो इस खीर से स्वादिष्ट नहीं होगा, तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हो? सर आप पचास के हो गए, ज्यादा मीठा खाएंगे शुगर हो जाएगी। छोड़ मुझे, मुझे तो खीर बहुत पसंद है, मुझे तो खीर खानी है। अरे बाप रे, इसे तो जहर भी शहद लग रहा है। इसके साथ हम भी मरेंगे। अब हमारा क्या होगा? किसी को शक ना हो इसलिए हमारे घर में से दो लोगों को खीर खाकर अस्पताल में एडमिट होना होगा। मैं? आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तो फिर दूसरा कौन? मैं क्या? इस प्लान में आप भी शामिल थे। क्या हुआ? ऑफिसर साहब सेफ है ना? मैं तो बच गया। अरे गधे, तुझसे नहीं, कमिश्नर कैसे हैं? He is out of danger. कॉफी। इन्हें यहाँ लेकर कौन आ गया? हीर में जहर के मिलने की रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, अगर इसे एज इट इज कमिश्नर को दिखाऊंगा तो। जानकी, सलाइन बॉटल तो ले आ। ओम दामादाय नमः। बेटा आज से तुम हमारे दामाद हुए। पापा। तुम चुप रहो दामाद जी, किसी भी तरह हमें इस मुसीबत से बचा लो। खीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, एक साथ ज्यादा खीर खा लिया जाए तो फूड पॉइजन का चांस रहता है। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा तो नहीं हुआ। अरे लेकिन हमने जहर नहीं मिलाया। पूछा क्या? मुझे लगा पूछेंगे। बेटी श्रीदेवी, अपनी शादी के खाने में इस खीर को अवॉइड करना। इस महीने में मुहूर्त निकल जाएगा सर। अरे वाह, इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। यह क्या ऐतिहासिक खीर है जो हाथ में लेकर घूम रही हो? डॉक्टर। सर मैं खींचू क्या? चुप कर, एक ही बोल्ट आधे घंटे से घुमा रहा है, वहाँ हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हमें फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी कर। आप करते क्या है सर? शहनाई वादन करते हैं। ओहो, बैंड वाले हैं आप, समझा। तो ना भैया। हाँ भैया। ये कौन है जो वादकों को बैंड बजाने वाला समझ रहा है? हम वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस हैं, पता है? जब तक मैं टायर बदल रहा हूँ थोड़ा आइटम दिखाओ ना। ओए, तेरी खुशी या मजे के लिए हम लोग नहीं बजाते हैं, हमारी शहनाई सुनने के लिए PM CM और बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे बिना अमेरिका में कोई खेल प्रोग्राम शुरू नहीं होता है। हमारे शो की एक टिकट भी खरीद नहीं सकते हो तुम। ये बिल्ले क्यों टंगे पता है? तो ना भाई। हाँ भैया। ये बिल्ले नहीं, उपहार है, उपहार। फ्री में नहीं सुनूंगा, 116 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 116 रुपए देगा? अरे ऊपर से बोनस भी ले लेना। बाप रे, बोनस भी देगा ये? और कुछ देर इसके साथ रुकेंगे तो बात बात पर शहनाई बजाने को कहेगा ये। चल किसी और से लिपट लेते हैं। हम तेरी तरह सेकंड क्लास नहीं है, हम बालकनी के हैं। तू जैसे हमारी शहनाई कभी नहीं बन सकती है। आप दोनों क्या करते हो? हम लोग शहनाई बजाते हैं। ओ, बैंड बजा बजाते हो? सोना भैया। हाँ भैया। दुनिया में बैंड बाजे के अलावा कोई और आर्ट नहीं है क्या? और कोई बैंड बाजे वाला ही समझ रहा है हम लोगों को? यू नो, वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस। यस। मूड ठीक नहीं है, कुछ बजा दोगे? बाप रे, टायर बदलने वाला वो और मूड बदलने वाला ये, आखिर समझ क्या रखा है? हमें सेकंड क्लास के लोग पसंद नहीं है। किसी सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी। हम उतर रहे हैं। दीजिए, मैं FM ही लगा लेता हूँ। तो AC भी थोड़ा बढ़ा दो भैया। ओह
पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आए? हाँ। छोटा सा काम है। देखो लेट होने पर हम मिनट का 100 रुपए काट लेंगे। मैंने सोचा कि मैं फ्री में लिफ्ट दे रहा हूँ, आप लोग पैसे दे रहे हो। ओके तो ना भैया गलती हो गई। भैया OR4BA6187 इस कार नंबर की डिटेल्स बताओगे? हम हर किसी को नहीं बताते। पैसे दूंगा तब तो बता दोगे ना। चल भागे यहाँ से। पैसे देने पर भी काम नहीं हो रहा है, आपके नाम से कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम परेशान हो रहे हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ, किसी पहचान के पुलिस वाले को बुला लो। SI रेंज का तो चलेगा ना? सीधे SI की बात कर रहा है, जैसे डिक्की में रखा होगा। एक मिनट। अरे तुम कार ड्राइवर हो या जादूगर हो, बातों बातों में इसे फंसा लिया। इस आदमी से अब हम लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मैडम हमारा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। तो ना भैया। भैया नाम जितना बड़ा होगा क्राइम भी उतना ही बड़ा होगा। अंदर रखो। आप लोग परेशान मत होइए, ये लड़की मेरे पहचान की है। पेन ड्राइव देने के बहाने किडनैप करके लेकर आया? पेन ड्राइव क्यों नहीं देते? एक बार मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन तुम भी फाइट या फायरिंग नहीं करोगी, ये प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आप जल्दी काम कीजिए, हमें जाने का है। भैया हाँ सोना भैया, मुझे लगता है हमें दूसरी गाड़ी देख लेनी चाहिए। गाड़ी रेडी है सर। कहाँ पर? आपके पीछे। ये हम कहाँ आ गए हैं? एक शव यात्रा है सर, उसमें शहनाई बजाएंगे तो 3000 मिलेंगे, 1500 आपके 1500 मेरे, ठीक है ना? सोना भैया। हाँ भैया, किसी की मौत पर शहनाई बजाने को कह रहा है, क्या करूँ? इससे अच्छा हुआ कि हम उसी के साथ चले जाए। भैया देखो रो मत, दो तुम लेना एक मुझे देना। भगवान बेटा सुप्रीम खिलाड़ी है। कोशिश तो कर रहा हूं सर, उका है ना। पटनायक जी ने भेजा है, दिमाग का डॉक्टर सैफ अली खान, डॉक्टर करीना, डॉक्टर बप्पी, डॉक्टर लहरी। एक कैसे डॉक्टर है? म्यूजिक थेरेपिस्ट है। ये कपड़ा क्यों लगा है? सीधे सर्जरी से चले आ रहे हैं। साइकियाट्रिक भी ऑपरेशन करते हैं का? डॉक्टर्स में एक बात समझ गया कि यही बॉस है इसकी। सर आप डॉक्टर से लॉजिक की बात करोगे तो हर्ट होता है। रुको रुको रुको, खाते में टांग का हेड डालता है, कोई नया दिख जाए बस चौधरी बन जाता है, गधा कहीं का। डॉक्टर आप बच्चा से, आप पहले बच्चे को बुलाइए। बच्चे से मुझे अकेले में बात करनी है। ओके डॉक्टर। चल ने जो मांगा था वो दे देना था। हे राजन, जो भी हो डॉक्टर डॉक्टर होता है, इसको देख के आंख में हंसू आ गया। 10 मिनट बाद देखना कुछ और ही आएगा। क्या? कुछ नहीं। बच्चे को किसी ने मारा था क्या? बहुत पूछा, इसने कुछ नहीं बताया, इसलिए मेरे आदमियों ने मारा। ओके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके डॉक्टर। बच्चे को किस किस ने मारा था हाथ उठाओ। चिल्ड्रन साइकोलॉजी के हिसाब से छोटे बच्चों के साथ खेलो तो हम जो मांगते हैं वो दे देते हैं। खेलते ही दे देते हैं क्या? डॉक्टर्स लेट्स शो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है पता है? पता है ना? कहाँ है बोलो बोलो। हमरा को पता है ना? डॉक्टर्स बॉस को पता है, लेट्स गो। डॉक्टर कोई भी मिल जाए पट्टे में टांग डालता है। हाँ तो बता बेटा। बच्चा उदास हो गया, एक और गेम खेलना होगा। कोई भी गेम होने दो मैं खेलूंगा। आओ खेले आंख मिचोली सारे, जाकर छुप जाओ। अभी उम्र में काई छुपा छुपी। बच्चे से सच बोलवाना है, करना छोड़ दे, सब ईमानदारी से खेलेंगे। आपके साथ खेलने का तो मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ, आज हमको मौका मिल गया है। जब तक मैं 10 बोलूँ सारे लोग छुप जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जॉनी, हे शिवा, जॉनी, मैं आ रहा हूँ। कोई है? केशव,
डैडी। अरे इतनी जोर से क्यों मार रहे हो तुम लोग? ईमानदारी से खेलने को कहा तो कमीन इतने जोर से मार रहे हैं। माही रे माही। डॉक्टर, बच्चे के साथ कहाँ छुपे हो? मर गए वो बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा है। ए, हमनी के पकड़ने के लिए बहाना बना रहा है। इसकी बात अनसुनी कर दो, सब लोग छुप जाओ। जाओ जल्दी शिवा सब आ जाओ। ए, अरे अब तो खेल खत्म हो गया, आप क्यों मार रहे हो उल्लू का?